हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, जिनको चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है ये रेसिपी उनको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि आज मैं बनाऊंगी न्यूटेला या नटेला, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो आज हम होममेड न्यूटेला बनाएंगे, तो चलिए फिर बनाते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें, ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें ताकि आप मेरी न्यू वीडियो हमेशा देखें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ कप मूंगफली के दाने लिए हैं और ये रोस्टेड हैं और इनका जो छिलका है वो मैंने हटा दिया है, आप देख सकते हैं। तो आपको ड्राई रोस्ट इसको करना है या आप थोड़ा सा घी डाल के उसको अच्छे से रोस्ट कर लें और उसके छिलके हटा लें। और मैंने अब इसको मिक्सी ग्राइंडर में डाल दिया है और अब हम इसको पीस लेंगे। बहुत ही अच्छे से हमें इसे ग्राइंड करना है और अभी हम इसमें ना पानी डालेंगे ना दूध डालेंगे, कुछ भी नहीं डालेंगे, बस इसी तरीके से हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने देख लीजिए मैंने ग्राइंड कर लिया है, तो अभी ये कुछ इस तरीके का है। लेकिन अभी हम इसको दो से तीन बार बहुत ही अच्छे से ग्राइंड करेंगे, हमें एक बहुत स्मूथ सी इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए है। तो अभी ये काफ़ी दरदरा है लेकिन अभी हम इसको और भी ग्राइंड करेंगे तो मूंगफली का जो तेल है वो रिलीज़ होगा, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। तो ये देखिए अभी इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से हो गई है, मैंने इसको दो से तीन बार उसी तरीके से ग्राइंड किया था। और अब मैं यहाँ पे ये हाफ कप मैंने पाउडर शुगर ऐड कर दिया है। अगर आपके पास पाउडर शुगर ना हो तो आप नॉर्मल चीनी को लेके उसको पीस लें और पाउडर बना लें, तो वो मैंने यहाँ पे हाफ कप इसमें ऐड करा है। उसके बाद यहाँ मैं ये ऑयल ऐड कर रही हूँ, यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल ऐड करा है। आप भी इसमें रिफाइंड ऑयल या फिर बटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप सरसों का तेल या और कोई तेल यूज़ मत करिएगा। तो यहाँ मैंने ये ऑयल इसमें ऐड कर दिया है और अब इसमें मैंने चुटकी भर इसमें नमक ऐड करा है और इसको हम फिर से एक बार ग्राइंड कर लेंगे। तो ये लीजिए मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, हर चीज़ अच्छे से मिक्स हो गई है और इसकी कंसिस्टेंसी अभी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं एक चम्मच इसमें दूध ऐड कर रही हूँ। तो अगर आपको भी डिफ़िकल्टी हो रही हो इसको ग्राइंड करने में या फिर वो पिस ना रहा हो तो आप इसमें दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने ये एक चम्मच इसमें दूध ऐड कर दिया है और अब मैं इसको दोबारा से ग्राइंड कर लूँगी। तो ये लीजिए हमारा पीनट बटर बनके तैयार है, होममेड पीनट बटर, बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगता है। लेकिन हम आज नटेला बना रहे हैं तो इसमें हम कुछ और भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने कोको पाउडर ऐड करा है, ये दो चम्मच मैंने ऐड करा है। अगर आपको कोको पाउडर नहीं पसंद है तो आप इसमें चॉकलेट को मेल्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ मैंने ये वनीला एसेंस इसमें ऐड कर दिया है, ये मैंने 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा कम वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अब मैं इसको अच्छे से फिर से ग्राइंड कर लूँगी। और ये लीजिए हमारा होममेड नटेला बनके तैयार है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही इजी सी रेसिपी है, तो आप इसे घर में बनाइए और इन्जॉय करिए। कहाँ आप मार्केट में जाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, इससे अच्छा तो घर में बनाइए एकदम साफ़ सफाई से और आपका नटेला भी बनके बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी या नहीं लगी मुझे आप ज़रूर बताइए। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।